हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस यानी के रामायण, उसी का संकलित अंश सीताहरण के रूप में आपके सामने पेश है। बात उस वक्त की जब श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक वन में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक आश्रम में वनवास का 13वां वर्ष व्यतीत कर रहे थे। एक रोज लंका के राजा रावण की बहन सुरूपनखे घूमती हुई राम लक्ष्मण से आखटकी, अहम भावना और राजसी बू में बहकी बहकी सी बात करती हुई अंत में भयानक रूप करके वह सीता जी की तरफ लपकी तो लक्ष्मण ने क्रोध में उसके नाक और कान काट लिए। रोती हुई पहुंची खरदूषण के पास। खरदूषण वह तिरिशिरा आदि अपनी 14,000 राक्षसी सेना के सहित पहुंच गए दंडक वन में और चारों तरफ से घेर लिया श्री राम के आश्रम को। तब राम ने लक्ष्मण को सीता सहित पहाड़ की खो में छिपने का आदेश दिया और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने महाघोर संग्राम करके सभी राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद वह सुपनखे रावण के दरबार में जाकर फूट फूट कर रोने लगी तो रावण अपनी बहन सुपनखे से रोने का कारण पूछता है किस प्रकार। और साफ बता दे सुपनखे क्यों रोवण लागगी दरबारा में आके जंगसा झोवण लागगी हे साफ बता दे सुपनखे क्यों रोवण लागगी दरबारा धोवण लागगी और लागे सासी अधम में उखड़ा साफ बता के तन पे दुखड़ा लागे सांस अदम में उखड़ा साफ बता दे के तन पे दुखड़ा सुंदर मुखड़ा गम आंसू में क्यों धोवण लागगी दरबारा धोवण लागगी और बुरा इस जग में टो जा सुने तमन में जानती हो जा भला और बुरा इस जग में टो जा सुने तमन में जानती हो कुर्से दुखता वो जादू तन पे डोवण लागगी दरबारा में आके जंगसा धोवण लागगी हे साफ बता दे सुपनखे क्यों डोवण लागगी
झोड़ लागगी। रघुनाथ तेरी लहदारी मन को मोहन लागगी। दरबारा में आके जंगसा धोवण लागगी। हे साहब बता दे रूप नखे क्यों धोवण लागगी। दरबारा में आके जंगसा धोवण लागगी। रावण के इस प्रकार पूछने पर सुरूप नखे लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काटने तथा तिरिशिरा और खरदूषण के मरने जैसी दर्दनाक कहानी किस प्रकार बताने लगी अपने भाई रावण को। और भगवा बने मैं दशरथ के दो सुत आए बलवान, नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान। नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान। भगवा बने मैं दशरथ के दो सुत आए बलवान, नाक कान मेरे काट लिए मेरी जात बैरान। नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान। और आज घूमने है की इच्छा मैं लेके चली मन में, मस्त ख्याल में है चलते चलते है पहुंची दंडक वन में। एक औरत दो दशरथ के सुत भगवा वस्त्र तन में, शील सुभा का राम लगे था है क्रोध गण लक्ष्मण में। वो एक क्रोध गणा लक्ष्मण में
है क्यों फिरते बीहड़ निर्जन में, क्यों फिरते बीहड़ निर्जन में, मन करनी चाहिए जान, नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान, नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान। और इस प्रकार रावण को बचाकर कहने लगी कि वहां पंचवटी में दशरथ के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण जिनका नाम था सीता जी को साथ में लिए हुए आश्रम में बैठे हुए थे। मेरी इच्छा हुई कि ये वनों में क्यों फिरते हैं, और जब मैं उनसे वन में फिरने का कारण पूछने लगी तो मेरी मजाक करने लगे वे किस प्रकार। और कोन्या ढंग में दिखे कोन्या ढंग में बोले थे वे करने लगे मजाक मेरी, इस जीने ते है अच्छा भाई तू फूंक बना दे राख मेरी, भूमंडल पे है चारों तरफा बल की जमरी साख तेरी, कान तराश करे लक्ष्मण ने फेर काट ली नाक मेरी, कान तराश करे लक्ष्मण ने फेर काट ली नाक मेरी, रोती बिलखती चाल पड़ी मैं, रोती बिलखती चाल पड़ी हुआ दुख में दिल के लकान, नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान, नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान, मेरे नाक कान काट लिए उस लक्ष्मण ने, तो मैं रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची और जब उन्हें मैंने हाले दिल बताया तो किस प्रकार सेना लेके वे पहुंचे रामचंद्र के पास क्या बताने लगी। और हाले दिल जाके बतलाया मैंने खरदूषण को, वे सेना लेके चाल पड़े थे एकदम दंडक वन को, पंचवटी पे जा दोनों को ललकारा थरण को, महाघोर संग्राम हुआ मिली नहीं शांति मन को, महाघोर संग्राम हुआ मिली नहीं शांति मन को, और धुआंधार है क्या गगन को, धुआंधार है क्या गगन को, इसे प्रण पैड़े तमान, नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान, नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान। सेना लेके भाई खरदूषण जब पंचवटी पे पहुंचे रामचंद्र के पास तो इकले राम ने लक्ष्मण और सीता को आदेश दे दिया पहाड़ में छुपने का। किस तरह का संग्राम करके खरदूषण और त्रिशिरा सभी को मौत के घाट उतार दिया और क्या बताने लगी। और इकला राम धनुष लेके, इकला राम धनुष लेके फिर सामी अड़ गया छो में, लक्ष्मण सीता को लेके छिप गया पहाड़ा की खो में, त्रिशिरा को मार दिया कट शीश गिरा तबो में, मर गए खरदूषण दोनों रही कसर के जग पर लो में, मर गए खरदूषण दोनों रही कसर के जग पर लो मैं, रघुनाथ बात विख्यात गात मैं, रघुनाथ बात विख्यात गात मैं, तुम्हें दर्द के बाण, नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बैरान, नाग कान मेरे
काट लिए मेरी कर दी जाज गरान, नाग दान मेरे काट लिए मेरी कर दी जाज गरान। अपनी बहन सुफनखे की नाक कान कटने तथा भाई खरदूषण के मरने की बात सुनकर वो लंकपति राजा रावण क्रोध में काफूर इस प्रकार गरजने लगा मानो रणसिंगे के बजते ही हजारों सूरवीर एक साथ युद्ध स्थल में कूद पड़े हों। क्रोध की अग्नि में दहकता हुआ वो रावण किस प्रकार से क्या कहने लगा इसका सही चित्रण इस बात के द्वारा आपके सामने। और क्रोध में गरजा रावण एकदम, या धरती भी दहलागी, खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम, धरती भी दहलागी, खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। बलते धरती कांपे के उनको पटी दान नहीं, नीव नास की धर बैठे भले बुरे की कुछ पहचान नहीं, पड़ा काल भी कैद मेरी कोए ताकत का उन्मान नहीं, शंकर का वरदान मुझे कोए मुझ जैसा बलवान नहीं, है उनके बचने प्राण नहीं हो अणी सर्प मंडरागी, खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम, धरती भी दहलागी, खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। इस पृथ्वी पे है कोई बोल नहीं सकता, मेरे हुक्म बिना नभ मंडल में है सूरज डोल नहीं सकता, शरीर मेरा बजर का है हाथी यार भी छोल नहीं सकता, तलवार मेरे कब्जे में है कोई है बल को तोल नहीं सकता, लगता है दशरथ के सुतों की, लगता है दशरथ के सुतों की मौत अचानक आगी, खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम, धरती भी दहलागी, खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। और इस प्रकार रोष जोश में अपनी ताकत के जहूरे को दर्शाता हुआ वो रावण अपनी बहन सुफनखे का धीरज बंधाने लगा किस प्रकार। मत ना रोवे बाण सुफन के प्रण कर कैसा मधाऊं, भगवा बस्तर में करी जात दी सारा मजा चखाऊं, छल बल करके भगवा बाणे में नार चुरा कलाऊं, बड़े ही माथी संगी साथी सुरग लोक पहुंचाऊं, ना मन में घबराऊं क्रोध में, ना मन में घबराऊं क्रोध
करे सुरती भी जकरागी, हर दूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गर्जा रावण एकदम धरती भी दहलागी, हर दूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। रावण भपक रहा था, क्रोध में रावण भपक रहा था, दुख रंज में परेशान ही आ। एक मिनट चुप का हो के मन मन में शिव का ध्यान किया। जय शंकर की बोल उठा फिर हृदय के मज्ञान किया। गुरु मान सिंह रावण ने दर बारा ते प्रस्थान किया। रघुनाथ चंद बयान किया, रघुनाथ चंद बयान किया, गुरु चरण में ज्योति पागी। हर दूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गर्जा रावण एकदम धरती भी लहलागी, हर दूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। प्यारे सजनों, सुरूप नखा को बहुत समझाकर अनेक प्रकार से अपने बल की बढ़ाई करके रावण अपने महल को चला गया, लेकिन मारे चिंता के उसे रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगा, खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। अगर सचमुच भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह सोचकर रावण अकेला वहां पहुंचा जहां मारीच समुद्र के किनारे रहता था। रावण ने मारीच को घमंड के साथ सब कथा कही और फिर यूं कहने लगा। और सुन मामा मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बड़ा बेस ही रण का भरना होगा। सुन मामा मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना जल्दी। तू हो क्या प्यार क्षण में दशरथ के राजकुमार न करे अत्याचार, वन में करे अत्याचार, वन में मत सोच कर मन में, मत सोच कर मन में, तुझे किंचित ना डरना होगा। सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना होगा। सुन मामा मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना होगा। एक बार विश्वामित्र के यज्ञ विघन डालते हुए बिना नोक का बाण राम ने मारीच को मारा था, जिससे वो 100 योजन की दूरी पर आकर गिरा था। जब दशरथ के राजकुमारों राम और लक्ष्मण का नाम सुना तो मारीच की आंखों के सामने वो ही नक्शा घूम गया और गुमसुम पथराई हुई आंखों से रावण की तरफ देखता रहा। तो रावण गरज कर क्या कहने लगा, बोला और क्यों गुमसुम सा खड़ा हुआ, के रंज मलाल करे
पथराई सी आंख लगे जल मैं किसे ख्याल भरे बता जल मैं किसे ख्याल भरे जो टाल करे हो टाल करे तो मेरे हाथ से अभी तुझको मरना होगा सोरण काया काम करना होगा तोरण काया अपना वैसी रण का भरना होगा और रंग सुनहरी सुनहरी हो आकर्षण मन सही वड़ो वण ने जो एक बार देख ले रूप तेरा जिंदगी भर टोहण ने तेरे जिंदगी भर टोहण ने सिया का मन मोहन ने सिया का मन मोहन ने हरी डाबा पे चरना होगा सोरण काया अपना वेश ही रण का भरना होगा सुन मामा मारी तुझे एक काम करना होगा सोरण काया अपना वेश ही रण का भरना होगा मेरे दिल में उठे तूफान दार चुरा के लाऊ उनकी डे जागर वे गुमान सभी डे जागर वे गुमान रघुनाथ मान हो रघुनाथ मान सिंह है सतगुरु की शेख श्या से तरना होगा सोचने लगा कि अगर मैं जाने की टाल भी करूं तो ये दुष्ट राक्षस मुझे मार देगा। दोनों तरफ से अपना मरण जानकर मारीच रावण के साथ चल दिया। उस वन के निकट जब रावण पहुंचा तब मारीच कपटी मृग बन गया। सोने की देह मणियों से जड़कर ऐसी सुंदर बनाई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा परम सुंदर मृग सीता जी ने देखा कि जिसका एक एक अंग मनोहर था। वह बोली, हे देव, हे रघुवीर, हे कृपालु, इस मृग की बहुत सुंदर मृगशाला होगी। और फिर सीता जी रामचंद्र जी से किस प्रकार क्या कहने लगी। लियावो हो पिया जी इस हिरण को मार के मैं मृगशाला बनाऊंगी। भजन की मन में धार के लियावो हो पियाजी इसे हिरण को मार के मैं मृगशाला बनाऊंगी। भजन की मन में धार के सुंदर रूप बनाया कंचन बरगी इसकी काया। कैसा सुंदर रूप बनाया कंचन बरगी इसकी काया है ईश्वर की अद्भुत माया। ईसा पहले नहीं नजर में आया सब तरिया मेरे मन को भाया। मैं बैठी हूँ दिल हार के लियावो हो पिया जी इसे हिरण
बंदा बनाऊंगी भजन की मन मैं धार के। जी चाहवे इसे पकड़ू पल में नूहे मन मेरा उथल पुथल में। जी चाहवे इसे पकड़ू पल में न्यूहे मन मेरा उथल पुथल में। हीरे के कण बिखरे थल में पड़े लहर वे सारे गढ़ में। घड़िया पे मतान सही नस्ल में रचना करी है सुधार के। लाओ हो पिया जी इसे हिरण को मार के मैं मृगशाला बनाऊंगी भजन की मन मैं धार के। मृगशाला सुंदर बनवाऊं योग साधना ध्यान जमाऊं। मृगशाला सुंदर बनवाऊं योग साधना ध्यान जमाऊं। बैठ के उस पे आनंद पाऊं प्राणनाथ थारा ध्यान लगाऊं। इस मृगा पे बलि बलि जाऊं मैं तन मन अपना वार के। लाओ हो पिया जी इसे हिरण को मार गे मैं मृगशाला बनाऊंगी भजन की मन मैं धार के। तड़फे है पूरी चाहत मैं देखना चाहूं घड़ी शात मैं। जी तड़फे है पूरी चाहत मैं देखना चाहूं घड़ी शात मैं। अर्ज करूं सू प्राणनाथ मैं मान सिंह गुरु गोड़ जात मैं। छंद की शक्ति रघुनाथ में लिखे सुरती मैं शब्द विचार के। जाओ हो पिया जी इसे हिरण को मार के मैं मृगशाला बनाऊंगी भजन की मन मैं धार के। के रूप में सीता जी के मुख से इस प्रकार के शब्द सुनकर लीलाधारी भगवान श्री राम ने हिरण को देखा, कमर में फेंटा बांधकर हाथ में सुंदर धनुष बाण लेकर लक्ष्मण से समझाकर कहा, तुम अपनी बुद्धि और ज्ञान से समय को विचार कर सीता की रखवाली करना और किस प्रकार से क्या कहने लगे। रखना होगा ख्याल तुझे, रखना होगा ख्याल तुझे, इतने मैं वापस आऊं जो मेरग मार के ल्याऊं। रखना होगा ख्याल तुझे, रखना होगा ख्याल तुझे, इतने मैं वापस आऊं जो मेरग मार के ल्याऊं। फिरते बिहड़ बन में एकली सीता डर जागी क्षण में राक्षस। फिरते बिहड़ बन में एकली सीता डर जागी क्षण में मन में कदे हो जा रंज मलाल, हो जा रंज मलाल। लक्ष्मण न्यू तुझको समझाऊं जो मेरग मार के ल्याऊं। रखना होगा ख्याल तुझे, रखना होगा ख्याल तुझे,
इतने मैं वापस आऊं यो मेरग मार के ल्या। आज्ञा है लखन हमारी रहेगी तेरी दावेदारी, ये आज्ञा है लखन हमारी रहेगी तेरी दावेदारी। सिया प्यारी की रखवाड़, सिया प्यारी की रखवाड़, तेरे अख्तियार छोड़ के जाऊं जो मेरग मार के जाऊं। रखना होगा ख्याल तुझे, रखना होगा ख्याल तुझे, इतने मैं वापस आऊं यो मेरा गमा। इस प्रकार लक्ष्मण को समझाकर भगवान रामचंद्र कमर में खेंटा बांध लेते हैं और हाथ में एक सुंदर धनुष लेके चलते हैं उस हिरण के पीछे। लेकिन मन में सब बातों को जानते हुए किस प्रकार लिया फेंटा बांधे कमर में धनुष एक सुंदर लेके कर मैं फेर लिया, फेंटा बांध कमर में धनुष एक सुंदर लेके कर प्रभु चाल, इसका कर मोक्ष में पिंड छुटाऊं यो मेरग मार के ल्याऊं। रखना होगा ख्याल तुझे, रखना होगा ख्याल तुझे, इतने मैं वापस आऊं यो मेरग मार के ल्याऊं। सतगुरु सत्य धर्म का लेख मिट ताना लिखे करम गमान सिंह, सतगुरु सत्य धर्म का लेख मिट ताना लिखे करम का है रघुनाथ भरम का जा, रघुनाथ भरम का जा। मैं तो ब्रह्म को जान बताऊं यो मेरग मार के ल्याऊं। रखना होगा ख्याल तुझे, रखना होगा ख्याल तुझे, इतने मैं वापस आऊं यो मेरे गवार के ल्याऊं। इस प्रकार लक्ष्मण को समझाकर भगवान श्री राम हाथ में धनुष बाण लिए उस हिरण के पीछे दौड़े। कभी छिपता तथा कभी दिखाई देता हुआ वह हिरण प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने उसको लक्ष्य बनाकर एक पैना बाण मारा। उसके लगते ही वह जोर से चिल्लाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, दो बार इस प्रकार बोलकर बाद में मन में श्री राम जी का स्मरण किया। वहां सीता जी ने जब दुख भरी कहानी सुनी तो बहुत घबराकर लक्ष्मण जी से क्या कहने लगी और लक्ष्मण क्या जवाब देने लगे, दोनों के सवाल जवाब इस बात के द्वारा किस प्रकार। और तेरे भाई पे भीड़ पड़ी तुझे लक्ष्मण जाना चाहिए, वे तीन लोक के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए। तेरे भाई पे भीड़ पड़ी तुझे लक्ष्मण जाना चाहिए, वे तीन लोग के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए, वे तीन लोग के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए।
सृष्टि के रचने वाले, यो गलत ख्याल तुम्हारा से। ऐसे शब्द सुने कन्ना दे मेरा न्यू है जी घबराना से। ऐसा लगे कोई बिकट राख सस गहरी चाल चलारा से। ऐसा लगे कोई बिकट राख सस गहरी चाल चलारा से। तेरा लेके नाम पुकारा से तुझे साथ निभाना चाहिए। यही रहने का हुक्म भाई का यो मने पुगाना चाहिए। तेरे भाई में भीर बड़ी तुझे लक्ष्मण जाना चाहिए। रोग के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए। तीन रोग के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए। गल मैं तूफान भरो मतना। मेरे पति पे संकट है नाचन पे नींद धरो मतना। विश्वास खास परे कास आस तुम मन में कति डरो मतना। विश्वास खास परे कास आस तुम मन में कति डरो। और सबर शांति को न्या मन को यो कष्ट मिटाना चाहिए। जो भों उठ जाते हो पर ले भेद समझ में आना चाहिए। तेरे भाई में भीड़ बड़ी तुझे लक्ष्मण जाना चाहिए। वे तीन लोग के नाग मात तुम्हें ना घबराना चाहिए। चालाकी कुछ नहीं हुकम भाई का दिल मैं ठाणू सू। गलत ख्याल हुए लक्ष्मण तेरे मैं मन की बात पहचानू सू। ऐसा मत कहो सिया जान की माँ के दर्जे मैं मानू सू। ऐसा मत कहो सिया जान की माँ के दर्जे मैं मानू। बिगड़ी लगे नीत मुझे तेरी रे बिगड़ी लगे नीत मुझे ना भेद छपाना चाहिए। धरती अंबरे हिल जाएंगे तुम्हें खुद शर्माना चाहिए। तेरे भाई में भीड़ बड़ी तुझे लक्ष्मण जाना चाहिए। तीन लोग के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए। तीन लोग के नाथ मात तुम्हें ना घबराना चाहिए। हुए बिने दुनिया में इंसान यदम में अटे कैसे। व्याकुल हुआ शरीर मेरा रही फड़ गया तमा भट कैसे।
मान सेंगे मोह में फंस गयो जीव न्यू है सर पटे कैसे गुरु मान सेंगे मोह में फंस गयो जीव न्यू है सर पटे कैसे मन मस्त राग में हम मन मस्त राग में मत कैसे रघुनाथ गदाना चाहिए रेखा खींची से ते बाहर ना कदम पुचाना चाहिए तेरे भाई में भीड़ बड़ी तुझे लक्ष्मण जाना चाहिए वे तीन लोग के नाथ माथ तुम्हें ना घबराना चाहिए तीन लोग के नाथ माथ तुम्हें ना घबराना चाहिए। और अब सोनोटोन का पैगाम आप सभी श्रोताओं के नाम अनेक भाषाओं में अपने मन पसंद गीत लोकगीत भजन कव्वालियों और हंसने गुदगुदाने वाले सोनोटोन प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स ही खरीदिए। घटिया क्वालिटी के डुप्लीकेट कैसेट्स आपके कैसेट डेक और टेप रिकॉर्डर के लिए खतरनाक हैं। ओरिजिनल सोनोटोन काट लिए मेरी कर दी जादगरान नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जादगरान और आज घूमने है की इच्छा मैं लेके चली मन में मस्त ख्याल में है चलते चलते है पहुंची दंडक वन में एक औरत दो दशरथ के सुत भगवा वस्त्र तन में शील सुभा का राम लगे था है क्रोध गणा लक्ष्मण में ओए क्रोध गणा लक्ष्मण में क्यों फिरते बिहड़ निर्जन में क्यों फिरते बिहड़ निर्जन में मन करनी चाहिए दान नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बेरा और इस प्रकार रावण को बताकर कहने लगी कि वहां पंचवटी में दशरथ के दो राजकुमार राम और लक्ष्मण जिनका नाम था सीता जी को साथ में लिए हुए आश्रम में बैठे हुए थे। मेरी इच्छा हुई कि ये वनों में क्यों फिरते हैं और जब मैं उनसे वन में फिरने का कारण पूछने लगी तो मेरी मजाक करने लगे वे किस प्रकार और कोन्या ढंग में दिखे कोन्या ढंग में बोले थे वे करने लगे मजाक मेरी इस जीने ते है अच्छा भाई तू फूंक बना दे राख मेरी भूमंडल पे है चारों तरफा बल की जमरी साख तेरी कान तराश करे लक्ष्मण ने फेर काट ली नाक मेरी कान तराश करे लक्ष्मण ने फेर काट ली नाक मेरी रोती बिलखती चाल पड़ी मैं रोती बिलखती चाल पड़ी हुआ दुख मैं दिल के लकान नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बेरान नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात बेरान मेरे नाग कान काट लिए उस लक्ष्मण ने तो मैं रोती हुई खरदूषण के पास पहुंची और जब उन्हें मैंने हाले दिल बताया तो किस प्रकार सेना लेके वे पहुंचे रामचंद्र के पास क्या बताने लगी Thank you.
और हाले दिल जाके बतलाया मैंने घर दूषण को वैसे ना लेके चाल पड़े थे एकदम दंडक वर्ण को पंचवटी पे जा दोनों को ललकारा धरण को महाघोर संग्राम हुआ मिली नई शांति मन को महाघोर संग्राम हुआ मिली नई शांति मन को और धुआंधार क्या गगन को धुआंधार क्या गगन को इसे प्रण पैड़े तमान नाक कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात मेरा सेना लेके भाई खरदूषण जब पंचवटी पे पहुंचे रामचंद्र के पास तो इकले राम ने लक्ष्मण और सीता को आदेश दे दिया पहाड़ में छुपने का। किस तरह का संग्राम करके खरदूषण और त्रिशिरा सभी को मौत के घाट उतार दिया और क्या बताने लगी। और इकला राम धनुष लेके इकला राम धनुष लेके फिर सामी अड़ गया छो में लक्ष्मण सीता को लेके छिप गया पहाड़ा की खो में त्रिशिरा को मार दिया कटे शीश गिरा तबो में मर गए खरदू क्षण दोनों रही एक सर के जग पर लो मैं मर के कर दू क्षण दोनों रही एक सर के जग पर लो मैं रघुनाथ बात विख्यात गात मैं रघुनाथ बात विख्यात गात मैं चुहे दर्द के बाण नाग गान मेरे काट लिए मेरी जात मेरा नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात मेरा भगवा बने मैं दशरथ के दो सुत लाए बनवान नाग कान मेरे काट लिए मेरी कर दी जात मेरा अपनी बहन सुफन के की नाक कान कटने तथा भाई खरदूषण के मरने की बात सुनकर वो लंकपति राजा रावण क्रोध में काफूर इस प्रकार गरजने लगा मानो रणसिंगे के बजते ही हजारों सूरवीर एक साथ युद्ध स्थल में कूद पड़े हों। क्रोध की अग्नि में दहकता हुआ वो रावण किस प्रकार से क्या कहने लगा इसका सही चित्रण इस बात के द्वारा आपके सामने। और क्रोध में गरजा रावण एकदम या धरती भी दहलागी खरदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी क्रोध में गरजा रावण एकदम धरती भी दहलागी प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी मेरे बलते धरती कांपे के उनको पटी दान नहीं नीव नाश की धर बैठे भले बुरे की कुछ पहचान नहीं बड़ा काल भी कह दे मेरी कोए ताकत का उन्मान नहीं शंकर का वरदान मुझे कोए मुझ जैसा बलवान नहीं उनके बचने प्राण नहीं हो अणी स्वरूप मंडरागी खरदूषण
विभूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम धरती भी दहलागी। प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। इस पृथ्वी पे कोई बोल नहीं सकता। मेरे हुक्म बिना नभ मंडल में सूरज डोल नहीं सकता। शरीर मेरा बदर का है हाथी यार भी छोल नहीं सकता। तलवार मेरे कब्जे में है कोई बल को तोल नहीं सकता। लगता है दशरथ के सुतों की मौत अचानक आगी। प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम धरती भी दहलागी। प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। और इस प्रकार रोष जोश में अपनी ताकत के जहूरे को दर्शाता हुआ वो रावण अपनी बहन सुफनके का धीरज बंधाने लगा। किस प्रकार? मत ना रोवे बाण सुफन के प्रण कर के समझाऊं। भगवा बस्तर में करी जात दी सारा मजा चखाऊं। थल बल करके भगवा बाणे में नार चुरा कलाऊं। बड़े ही माथी संगी साथी सुरग लोक पहुंचाऊं। ना मन में घबराऊ क्रोध में फिर सुरती भी टकरागी। प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम धरती भी दहलागी। प्रदूषण का मरना सुन सी मैं ज्वाला जागी। क्रोध में रावण भभक रहा था दुख रंज में परेशान ही आ। एक मिनट चुप का हो के मन में शिव का ध्यान किया। जय शंकर की बोल उठा फिर हृदय के मगन किया। गुरु मान सिंह रावण ने दर बारा ते प्रस्थान किया। रघुनाथ चंद बयान किया गुरु चरण में ज्योति पागी। प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। क्रोध में गरजा रावण एकदम धरती भी दहलागी। प्रदूषण का मरना सुन सी ने मैं ज्वाला जागी। प्यारे सजनों, सूप नखा को बहुत समझाकर अनेक प्रकार से अपने बल की बढ़ाई करके रावण अपने महल को चला गया। लेकिन मारे चिंता के उसे रात भर नींद नहीं आई। सोचने लगा, खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान थे, उन्हें भगवान के बिना कौन मार सकता है। अगर सचमुच भगवान ने अवतार लिया है तो मैं जाकर हठपूर्वक उनसे बैर करूंगा
और प्रभु के बाण से प्राण त्याग कर भवसागर से तर जाऊंगा। यह सोचकर रावण अकेला वहां पहुंचा जहां मारीच समुद्र के किनारे रहता था। रावण ने मारीच को घमंड के साथ सब कथा कही और फिर यूं कहने लगा, और सुन मामा मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बना भेष ही रण का भरना होगा। सुन मामा मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बना भेष ही रण का भरना होगा। चल दे जल्दी, तू हो क्या प्यार थान में, दशरथ के राजकुमारा न करे अत्याचार बाण में, करे अत्याचार बाण में, मत सोच कर मन में, मत सोच कर मन में, तुझे किंचित ना डरना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना होगा। सुन मामा मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना होगा। एक बार विश्वामित्र के यज्ञ में विघन डालते हुए बिना नोक का बाण राम ने मारीच को मारा था, जिससे वो 100 योजन की दूरी पर आकर गिरा था। जब दशरथ के राजकुमारों राम और लक्ष्मण का नाम सुना तो मारीच की आंखों के सामने वो ही नक्शा घूम गया और गुमसुम पथराई हुई आंखों से रावण की तरफ देखता रहा। तो रावण गरज कर क्या कहने लगा, बोला, और क्यों गुमसुम सा खड़ा हुआ, के रंज मलाल करे पथराई सी आंख लगे, दिल मैं किसे ख्याल भरे, बता दिल मैं किसे ख्याल भरे, जो टाल करे हो, टाल करे तो मेरे हाथ से अभी तुझको मरना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना होगा। तुझे एक हो काम करना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना सही बड़ो वन ने, जो एक बार देख ले रूप तेरा, जिंदगी भर टोहन ने तेरे, जिंदगी भर टोहन ने, सिया का मन मोहन ने, सिया का मन मोहन ने, हरी डाबा पे चरना होगा, सोरण काया मारीच, तुझे एक काम करना होगा, सोरण काया बड़ा भेष ही रण का भरना होगा।
दिया मेरे दिल में उठे तूफान, दार चुरा के लाऊं उनकी दे जागर वे गुमान, सभी दे जागर वे गुमान, रघुनाथ मान हो रघुनाथ मान सिंह है सतगुर की शिक्षा से तरना होगा।